हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.2 का क्लास 8 का हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 माइनस t, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन है, तुम्हें क्या हुआ? चलो जी करते हैं इसको। सबसे पहले देखो 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3, ये एक हमें क्या मिल गई, क्वेश्चन जैसे मिल गई है, है ना? 2 अपॉन 3 ये कंडीशन मिल गई है हमें, माइनस टी, टी वन लिख ले कोई दिक्कत, टी अपॉन वन लिख ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब इन दोनों को करते हैं, इन दोनों को, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। तो जब यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है, जब यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे हमें किससे करना पड़ेगा? 3 से, यहाँ पे 4, ठीक है? क्या हो जाएगा? 3 3 90, 3 2 6, लेकिन माइनस, ये माइनस है यहाँ पे, दैट्स व्हाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस 4 2 8 टी 18, अब माइनस प्लस अगेन माइनस 4 3 12, ये हमें क्या मिल गया है कंडीशन, ये हमें हमने यहाँ पे सॉल्व आउट कर लिया, ठीक है? इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 माइनस टी अपॉन 1, समझ में आया था ना? अब ये 90 प्लस की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू 80 है, माइनस 6 है और माइनस 12 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 3, तो ये हो जाएगा 2 ही रहेगा और ये 3t हो जाएगा, समझ में आया? यस मैम। अब देखो 90 में से 80 जाएगा तो क्या बचेगा? टी बचेगा, 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18 अपॉन 12, और यहाँ पे 2 माइनस 3t अपॉन 3, कौन सी कंडीशन आ गई हमारे फोर्थ वाले क्वेश्चन की आ गई? देखो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा, डिवाइड यहाँ पे डिवाइड करा दिया जाएगा तो मल्टीप्लाई, यहाँ पे करते हैं इसको, t माइनस 18 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3t अपॉन 3, अब यहाँ पे डिवाइड करा दिया जाएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, ऑलराइट? यहाँ पे डिवाइड करा तो क्या करेगा? इधर मल्टीप्लाई करेगा, ऑलराइट? अब t इनटू 3 इनटू t इज इक्वल्स टू 3t प्लस माइनस माइनस 18 3 जा कितना होता है? 24 इज इक्वल्स टू 12 2 जा 24 प्लस माइनस माइनस 12 3 जा 36 t, वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं, 3t प्लस 36 t इज इक्वल्स टू 24 प्लस 54, समझ में आया? यस मैम। 36 और 3 कितना होता भाई? 39 t इज इक्वल्स टू 448 5 और 2 7 78 t is equals to 78 divided by 39. Yes, ma'am. 39 was 39. 39 2 is 78. So 2 upon 1 is equals to 2. T की value? 2. समझ में आया? Yes, ma'am.